डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की स्नैपशॉट बुक का थर्ड चैप्टर करेंगे, जिसका टाइटल है रंगाज मैरिज। एंड दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय मस्ती वेंकटेश आयंगर। और यहाँ पर जो नैरेटर है वो हमें पहले रंगा के बारे में बताता है, और उसके बाद में वो जो है उसके मैरिज के बारे में बताता है कि उसकी शादी करवाना चाहता है। और उसकी नज़र में एक लड़की होती है जो कि रामा राव एक कैरेक्टर है कहानी के अंदर, रामा राव की भतीजी है, जो कि एक बड़े शहर से बिलोंग करती थी और उसे वीणा और हारमोनियम प्ले करना आता था अच्छे से। तो उसके बाद देखिए अब क्या होता है, उसकी शादी हो पाती है नहीं हो पाती है, वो इसमें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो देखिए, और जो उसकी वो लड़की थी रत्ना, रत्ना की वॉइस बड़ी स्वीट थी और उसे गाना भी आता था और सुंदर लड़की थी, बट एंड शी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, यानी उसके माता पिता जो है उनकी डेथ हो चुकी थी रत्ना के। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसका अंकल उसे घर लेके आया था। रंगा वॉज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, और रंगा उसके लिए बिल्कुल सुटेबल था और वो भी उसके लिए सुटेबल थी। सिंस आई वॉज ए फ्रिक्वेंट विजिटर टू रामा राव्स प्लेस, और सिंस का मतलब चूंकि, और क्योंकि ये रामा राव के घर पर नैरेटर आता जाता रहता था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, तो जो गर्ल थी वो काफ़ी फ्रेंक थी इसके साथ में। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, और मैं उसका जो है नाम बताना तो भूल ही गया, रत्ना इट वॉज। तो नैरेटर कहता है उसका नाम रत्ना रहा। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू their house and told Rama Rao's wife, I will send some buttermilk for you, ask Ratna to fetch it. तो नेटर ने रामा राव की वाइफ से कहा कि मैं कुछ तुम्हारे लिए जो है buttermilk यानी कि छाछ भेज दूंगा, और रत्ना को भेजना कि वो ले आए। रत्ना केम, इट वॉज ए फ्राइडे सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी। रत्ना आई, फ्राइडे का दिन था और वो एक बढ़िया सी साड़ी उसने पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग, नेट रिक्वेस्ट करता है कि कोई गाना गाए। और राई सेंड फॉर रंगा, इसी बीच में रंगा को भी उसने इन्विटेशन भेज दिया कि आ जाओ। व्हाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, और वो कोई एक साउथ इंडियन कोई वहाँ का कोई भजन था, डिवोशनल सॉन्ग उसने गाना स्टार्ट किया। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुँचा। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप बट वाज क्यूरियस टू सी द सिंगर। और जो रंगा था ही वाज स्टैंडिंग एट द थ्रेशोल्ड एंड ही वाज लिसनिंग टू द स्वीट सॉन्ग ऑफ रत्ना एंड ही डिड नॉट वांट द सॉन्ग टू बी स्टॉप्ड, और वो देखना चाहता था सिंगर कौन गा रहा है बड़े ही क्यूरियोसिटी के साथ में। केयरफुली ही पीप्ड इन, पीप्ड इन का मतलब होता है अंदर झांक के देखना, पीप्ड इन लुक्ड इन। ही लुक्ड इन, द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, और जब उसने अंदर झांक के देखा तो जो अंदर लाइट जा रही थी, सनलाइट जा रही थी, वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर एब्रप्टली स्टॉप, तो रत्ना ने ऊपर देखा और देखा कि कोई अजनबी वहाँ खड़ा हुआ है, और उसने हड़बड़ा कर के गाना बंद कर दिया। एब्रप्टली का मतलब होता है सडनली। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली सेवरिंग इट्स पील बिफोर बाइटिंग इनटू द जूस फ्लैश, तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर जो नैरेटर है वो बड़े ही ह्यूमरसली फनी वे में बताता है कि मान लो कि आप एक अच्छी क्वालिटी के मैंगो को आप खरीदते हो, आपने इसे खाया, धीरे धीरे इसकी हर एक पील को, हर एक छिलके को अच्छे से जो है आप इसे टेस्ट कर रहे हो। इस पील का मतलब हर एक बाइट को अच्छे से भी आप जो है इसको एंजॉय कर रहे हो। बिफोर बाइटिंग इन टू द जूसी फ्लैश, कहता है कि जूसी फ्लैश को खाने से पहले इसको आप आराम से धीरे धीरे छील रहे हो और इसको जो है एंजॉय कर रहे हो। यू डू नॉट वांट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आप इसके किसी भी पार्ट को वेस्ट नहीं करना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, लेकिन दूसरी बाइट लेने से पहले
द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, तो जो फ्रूट है वो हाथ से स्लिप कर जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगता है? रंगा फेस शाउट शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप। रंगा का जो फेस है उसने भी ऐसा ही डिसअपॉइंटमेंट शो किया जब गाना रुक गया। यू सेंड फॉर मी ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम मेरे लिए तुमने बुलाव भेजा था। एज ही केम इन एंड सेट ऑन ए चेयर, तो अंदर आया और चेयर पे बैठ गया। रत्ना स्टूड एट अ डिस्टेंस, रत्ना भी कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। हनी हैड लोवर्ड, उसका सिर झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा जो है लगातार उसकी तरफ देख रहा था। वंस आवर आइज मेट एंड ही लुक्ड वेरी एम्बैरेस्ड, एक बार नैरेटर ने उसको रंगा को देखा और फिर रंगा जो है वो एम्बैरेस हो गया, शर्मा गया, लज्जित हो गया। नो वन स्पोक फॉर ए लॉन्ग वाइल, और कोई भी जो है काफ़ी देर तक बोला नहीं कोई भी। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, तो रंगा कहता है कि मेरे आने से यहाँ पर जो है गाना रुक गया, वो भजन बीच में बंद हो गया, तो मैं जाता हूँ। वर्ड्स मीर वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक ए मूव, लेकिन यहाँ पर जो नैरेटर है बड़े फनी वे में कहता है कि कहने को सिर्फ शब्द थे, वर्ड्स थे, उसने कहने के लिए ऐसा कहा लेकिन जो रंगा है वहाँ से हिला तक नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, और नैरेटर कहता है कि आज के इस कलयुग में शब्दों का एक्शन के साथ मैच करना कौन एक्सपेक्ट कर सकता है, यानी कथनी और करने में दिन रात का अंतर होता है, लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, और रत्ना जो है वो शर्मा करके शाइनेस के कारण अंदर चली जाती है। आफ्टर ए वाइल रंगा आस्क, कुछ देर बाद रंगा ने पूछा हु इज दैट गर्ल स्वामी, स्वामी ये लड़की कौन है। हु इज दैट इनसाइड, द लॉइन वॉन्टेड टू नो, अंदर कौन है, शेर जानना चाहता था। द ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और वह ही गॉट का मतलब होता है बकरा होता है, मेल गॉट, ही गॉट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, और कहता है कि वह बकरा जिसने मंदिर में शरण ली थी उसने कहा डज इट मैटर हु आई एम, ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 loins, मैं बेचारा जानवर हूँ जिसने पहले से ही 9 loins को खा लिया है। आई हैव वॉव टू ईट वन मोर, मैंने सोगन लिया है कि एक और खाऊंगा। टेल मी आर यू मेल और फीमेल, मुझे बताओ कि तुम मेल हो अथवा फीमेल हो। द लॉइन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, ऐसे लगता है कि जो लॉइन है वो डर के मारे वहाँ से चला गया। लाइक द ही गोट आई सेड, तो बेचारे ही गोट की तरह नैरेटर कहता है मैंने कहा वट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस हु शी इज, कि हम दोनों क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड एंड यू आंट द मैरिंग काइंड, मेरी तो शादी हो चुकी है और तुम शादी करना नहीं चाहते, तो कोई भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। वेरी होपफुली आस्क्ड शी इज इन मैरिड देन, बड़ी होप के साथ में रंगा ने पूछा नैरेटर से कि उसकी शादी तब तो नहीं हुई है। हिज वॉइस डिड नॉट बिट्रे हिज एक्साइटमेंट, और उसका एक्साइटमेंट जो थी वो बिल्कुल विजिबल थी उसके वॉइस के साथ में, बट आई न्यू इट वॉज देयर, यानी कि एक्साइटमेंट थी उसके वर्ड्स में और जो नैरेटर था वो अच्छे से देख सकता था, समझता था। शी वॉज मैरिड अयर अगो, उसकी शादी तो एक साल पहले हो गई। हिज फेस रिवर लाइक ए रोस्टेड ब्रिंजल, नैरेटर ने झूठ बोल दिया। ही टोल्ड ए लाई दैट शी वॉज मैरिड अयर अगो, अब जो रंगा है उसका चेहरा उतर जाता है। हिज फेस रिवर्ड श्रिवर्ड कौन होता है, देर वर रिंकल्स ऑन हिज फेस, मीन टू से हर फेस हिज फेस वॉज कलरलेस, एंड श्रीवर्ड का होता है ही बिकम्स सैड,
यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो रंगा है वो उदास हो जाता है, एंड आफ्टर ए वाइल रंगा लेफ्ट सेइंग आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम। रंगा बिल्कुल कहता है कि मुझे जाना है, कोई काम है घर पे, और चला जाता है। आई वेंट टू शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से। और अगले सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो नैरेटर है वो शास्त्री के पास में चला जाता है। शास्त्री गांव में एस्ट्रोलॉजर होता है, ब्राह्मण है और एस्ट्रोलॉजर है ये, जो कि हु कैन प्रिडिक्ट वंस फ्यूचर ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टार्स आफ्टर स्टडिंग द स्टार इज नोन एज एस्ट्रोलॉजर। और उसे बताया कि अपने जो हर चीज़ को तैयार रखो, कहने का मतलब क्या है, अपने जो भी पैराफर्नेलिया हैं, जो बुक्स हैं, उनको तैयार रखो, मैं बाद में आऊँगा। और मैंने द नेटर ने उसे अच्छे से बता दिया कि उसे क्या बोलना है और क्या चाहता है। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वैन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर में आफ्टरनून में जब रंगा से मिला नैरेटर तो भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं था। वट इज़ द मैटर यू सेम टू बी लॉस्ट इन थाट आई सेड, तो नेटर ने पूछा कि क्या बात है, तुम कुछ विचार में डूबे हुए हो। नथिंग नथिंग इज रॉन्ग बिलीव मी, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। हेड एक कम लेट्स गो एंड सी डॉक्टर, हाँ सिर दर्द है, चलो आइए डॉक्टर से मिलते हैं। आई हैव नो हेड एक आई एम यूजुअल सेल्फ, तो रंगा कहता है कि नहीं नहीं हेड एक नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ। आई एम यूजुअल सेल्फ का मतलब होता है कि मैं नहीं नहीं ऐसा ही रहता हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग वेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए गर्ल फॉर मी वॉज गोइंग ऑन, बट आई डोंट थिंक दैट दैट कुड बी अ रीज़न फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन। तो नेटर कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मेरे लिए लड़की को चूज करने का टाइम था, प्रोसेस चल रही थी लड़की देखने का, तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का कोई ये रीज़न हो सकता है। रंगा स्टेड एट मी, रंगा लुकड एट द नैरेटर, कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री आई सजेस्ट। तो नैरेटर ने सजेस्ट किया रंगा को कि आओ चलते हैं शास्त्री के पास में, विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू नॉट, हम पता लगाएंगे कि गुरु और शनि तुम्हारे फेवरेबल हैं अथवा नहीं। रंगा अकम्पनीड मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, और रंगा ने बिना किसी प्रोटेस्ट के उसको फॉलो किया। एज सून एज शास्त्री स्वामी ही एक्सक्लेम्ड व्हाट ए सरप्राइज श्यामा हैवन्ट सीन यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो उसने कहा कि बड़े ही हैरानी के साथ, सरप्राइज के साथ कहा, कितनी सरप्राइज की बात है श्यामा, मैंने तुम्हें काफ़ी दिन से देखा नहीं। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नेटर ऑफ दिस टेल, और यहाँ पर अब नैरेटर अपना नाम बताता है कि कोई दूसरा नहीं, ये आपका दास श्यामा है जो इस कहानी का नैरेटर है। आई गोट एंग्री एंड शाउटेड व्हाट ऑन दिस मॉर्निंग शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, मैं गुस्सा हो गया और चिल्लाया, क्या इसी सुबह तुमने देखा मुझे, शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे वाक्य को कंप्लीट किया। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, अच्छा अच्छा तो अब तुम अपने काम फिनिश करके अभी आए हो, चलो चलो अच्छी बात। हैड यू नॉट डन सो आई वुड हैव रुइन्ड अ प्लान बाय ब्रस्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर केप्ट इन द सन टू ड्राई, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी सारी योजना बेकार हो जाती, जैसे जैसे धूप में सुखाने के लिए ग्रेन्स को रखते हैं और वो ब्रस्ट कर जाते हैं, इन द सेम वे आई वॉज सपोज टू रिवील द फैक्ट्स रिलेटेड टू देयर प्लान, मीन टू से ही वॉज नॉट एबल टू हाइड हिज सीक्रेट्स, बट इट वॉज डन बाय द एस्ट्रोलॉजर बाय द शास्त्री। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड, लेकिन उसके बाद जो कुछ कहा उसके बाद मैं बड़ा ही केयरफुल था। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ मुड़ा। व्हेन डिड द यंग सन ऑफ अकाउंटेंट कलर कम होम,
शास्त्री ने रंगा की तरफ मुड़कर कहा कि ये हमारे अकाउंटेंट कलर का लड़का घर कब आया? व्हाट कैन आई डू फॉर हिम? इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस। मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बहुत कभी कभार ही आता है यहाँ। टेक आउट योर पैराफर्नेलिया, अपनी जो बुक्स हैं बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी वे निकाल लीजिए। अवर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम? शैल यू पुट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट? तो नरेटर बताता है कि रंगा जो है ही इज नॉट फीलिंग वेल एंड समथिंग इज गोइंग ऑन हिज माइंड, सो कैन यू टेल अस व्हाट इज बॉदरिंग रंगा एंड टुडे वी आर गोइंग टू टेस्ट योर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम आपकी जो एस्ट्रोलॉजी है, जो भविष्य की जो ज्योतिष है, इसको हम दाव इसको टेस्ट करना चाहते हैं। देर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, और जब शास्त्री से ऐसा बोल रहा था तो उस समय एक अथॉरिटी डोमिनेटिंग वॉइस थी इसके नरेटर की वॉइस में। He took out two sheets of paper, some cordies and book of Palmyra leaves saying, Our is an ancient science, Aya. तो उसने दो पेपर निकाले, कुछ कौड़ी निकाली। कौड़ी होते हैं शाइनिंग शेल्स होती हैं जो कि ये सी शोर के ऊपर मिल जाती हैं, इसी क्रिएचर से प्राप्त होती हैं हमें कौड़ीज। एंड ए बुक ऑफ पलमीरा, और पाम जो ट्री हैं उनकी जो लीव्स थी वो उनकी बनी हुई बुक्स निकाली उसने, और उसने कहा कि हमारी जो साइंस है ये काफ़ी एंशेंट है, एंशेंट साइंस है। There is a story to it, इसकी भी कहानी है, but I won't tell you that story now, लेकिन वो कहानी अब तो मैं बताऊँगा नहीं। This is not a हरी कथा which allows you to tell a story within a story, ये कोई हरी कथा नहीं है। It's not the story of God, जो कि कहानी के अंदर कहानी आती जाए। You may get bored, तुम कदा बोर हो सकते हो। I will tell you it to some other time, और मैं तुम्हें किसी दूसरी समय बाद में बताऊँगा ये बात। शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, व्हाट इज योर स्टार? शास्त्री ने जल्दी अपने होठों को हिलाया, अपने फिंगर्स के ऊपर कुछ काउंट किया और फिर पूछा, तुम्हारा स्टार क्या है? रंगा डिंट नो, रंगा को नहीं पता था, तो उसने कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद ए शेक ऑफ हिज हैंड, शास्त्री ने सिर को हिलाकर कहा। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, सीरियस टोन में कुछ कहने से पहले उसने कुछ कैलकुलेशंस की और ज़्यादा। इट्स अबाउट अ गर्ल, उसने कहा कि लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, और जो नरेटर है वो इस समय अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था। बट नाउ आई ब्रस्ट आउट लाफिंग, लेकिन उस समय ये जोर से हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, और रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली व्हाट आई हैज सेड, हु इज द गर्ल? हाँ हाँ, मैंने ऐसा ही तो कहा था। हु इज द गर्ल, लड़की कौन है? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, नरेटर ने पूछा कि लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, कमला मे बी। शास्त्री ने कुछ देर सोचा फिर कहा कि उसका नाम समुद्र में पाए जाने वाले, ओशन में पाए जाने वाले किसी नाम के ऊपर हो सकता है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो सकता है, कमला हो सकता है मे बी। कुड इट बी पची मॉस, मस्ट इट बी मॉस इफ नॉट कमला, वाई नॉट पर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन? रत्ना द गर्ल इन रामा राव्स हाउस इज रत्ना, टेल मी। तो ये कमला नहीं तो मॉस हो सकता है, अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रीशियस स्टोन जैसे पर्ल रत्ना हो सकता है। रत्ना द गर्ल इन रामा राव्स हाउस इज रत्ना, हाँ 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 ऐसा ही है, रामा राव के घर में जो लड़की है उसका नाम रत्ना है। टेल मी, मुझे बताओ, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशंस बेरिंग फ्रूट, क्या हमारे जो नेगोशिएशंस हैं, जो प्रयास हैं, उसका कोई फल मिलेगा, फ्रूट मिलेगा? यानी कि द नेटर वॉज
planning to get Ranga married with Ratna, and if there was any possibility of getting Ranga married with Ratna or not. Definitely, he said after thinking for some time. कुछ देर सोचने के बाद में उस शास्त्री ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसी पॉसिबिलिटी है. देर वो सरप्राइज ऑन रंगा फेस, रंगा के चेहरे पर बिल्कुल सरप्राइज था एंड सम हैप्पीनेस और कुछ खुशी थी. आई नोटिस इट, नेट ने इसको नोटिस किया. बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड. देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैड फॉलन. लेकिन वो लड़की तो मैरिड है. मैं नरेटर ने जो है रंगा की तरफ मुड़ते हुए कहा. रंगा का चेहरा उतर गया. आई डोंट नो ऑल दैट, देर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल. आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री सेड. लेकिन शास्त्री ने कहा कि भाई लड़की तो इसी नाम से होनी चाहिए, हो सकता कोई दूसरी लड़की हो. क्योंकि उसने कहा कि मैंने बताया था ना हमारे शास्त्र के बारे में, पहले ही बताया था. वी लेफ्ट द प्लेस ऑन द वे, पी पास बाय राम राव साउस, रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर. तो नरेटर और रंगा दोनों रामाराव के घर के पास से गुजर रहे थे. तो रत्ना दरवाजे पर खड़ी थी. आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट विद अ मिनट लेटर. तो शास्त्री जो सॉरी जो नरेटर है वो अंदर जाता है और एक मिनट बाद बाहर आता है. सरप्राइजिंग, दिस गर्ल इज इन मैरिड इट सीम्स. समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज. अब नेटर यहाँ पर जो है डिस्क्लोज करता है फैक्ट को कहता है कि किसी ने बताया था इसकी शादी हो चुकी है, लेकिन ये तो शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है. व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. लेकिन शास्त्री ने जो कुछ कहा वो तो सच हो गया. रंगप्पा, मैं बिलीव नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड. तो वहाँ कोई माधवाचार्य का मनो कोई वहाँ पर लोकल सेंट संत था कोई, जो कि काफ़ी प्रोफेट जैसा था, हु इंस्पायर्स अदर्स. तो स्पिरिचुअल के बारे में किसी को नॉलेज दें तो ऐसा होता माधवाचार्य. तो कहता है कि माधवाचार्य के सुगंध खाई और मुझे बताए कि जो कुछ शास्त्री ने कहा वो सही कहा. I do not know whether anyone else could have been direct. मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता whether anyone else would have been direct. कि कोई दूसरा व्यक्ति इतना direct बोल पाता. रंगा ने admit किया. There is greater truth in that शास्त्र than we imagine. What he had said is absolutely true. तब रंगा कहता है कि इसके शास्त्र में बहुत ज़्यादा सच्चाई है, जितना हम इमेजिन करें उससे भी कहीं ज़्यादा. और उसने जो कुछ कहा है शास्त्री ने वो बिल्कुल ट्रू है. शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग. उस शाम शास्त्री कुएं पर था जब मैं वहाँ पर गया. आई सेड सो शास्त्री गर्ल, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टोल्ड यू विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन. और नरेटर उसका फ्रेंड था शास्त्री का, तो उससे कहा और शास्त्री गर्ल तुमने हर चीज़ जो है वैसे की वैसे बताई जैसा मैंने तुम्हें बताया था और किसी कोई डाउट भी नहीं हुआ. व्हाट ए मार्वल शास्त्र योर्स इज, कितने महान हैं तुम्हारे, कितने अजीब शास्त्र हैं आपके, महान हैं. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. व्हाट आर यू सेइंग, तुम क्या कह रहे हो. व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्रस. जो कुछ तुमने मुझे बताया वो मैं खुद भी शास्त्र से मैं ढूंढ सकता था. आई डिवेल्प ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. और डोंट फॉरगेट, भूलो मत, मैंने सिर्फ जो तुमने हिंट दिए थे उसके आधार पर मैंने इसे डिवेलप किया था. डिवेलप का मतलब होता है मैंने चीज़ को जो है जनरेट किया था. टेल मी इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज, मुझे बताओ इज दिस व्हाट ए डिसेंट मैन सेज. एक डिसेंट मैन ऐसा कहता है, क्या यही कहता है. रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर. रंगप्पा अगले दिन मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने आया. व्हाट इज द ओकेजन, आई आस्क, मैंने पूछा कि क्या ओकेजन है. इट इज़ श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3. और अब ये श्यामा का बर्थडे वो 3 साल का हो गया. यहाँ पर रंगा की शादी को हुए अब 3 साल हो जाते हैं
और रंगा का लड़का होता है उसका नाम श्यामा निकालता है, वो नरेटर के नाम के कारण, क्योंकि साउथ में एक ट्रेडिशन है जिसको अप्लाई करते हैं उसके नाम के आधार पर, नाम के पीछे आप अपने संतान का किसी का नामकरण कर सकते हैं। इट इज़ नॉट अ नाइस नेम श्यामा, इसे मैंने कहा कि नरेटर ने कहा कि श्यामा अच्छा नाम नहीं है, आई एम लाइक ए डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो बिल्कुल काला कलौटा हूँ जैसे ऑयल केक की तरह, तेल की खली की तरह। व्हाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच ए नेम, और तुम्हारा ये जो बिल्कुल सुनहरे रंग का बच्चा है, बिल्कुल गोरा बच्चा है, इसको इस तरह का नाम क्यों देना। व्हाट ए चाइल्डिश कपल यू आर रत्ना एंड यू, कैसे तुम चाइल्डिश कपल रंगा एंड रत्ना। आई नो इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, मैं जानता हूँ कि एक अंग्रेजी रिवाज है कि अपने बच्चे का नामकरण जिसको तुम लाइक करते हो उनके पीछे नाम अपना रख सकते हो। योर वाइफ इज 8 months प्रेगनेंट नाउ, और तुम्हारी जो वाइफ हो 8 months प्रेगनेंट है, हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू, और वहाँ पर घर पर तुम्हारी मदर की हेल्प करने के लिए कौन है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, उसके साथ में हमारी सिस्टर आ गई। आई वेंट देयर फॉर डिनर, डिनर के लिए मैं वहाँ पर गया। श्यामा रश्ड टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन एंड पुट हिज आर्म्स अराउंड माई लेग्स, श्यामा दौड़कर मेरे पास में आया जब मैं उसके घर पर गया और उसने अपनी आर्म्स को मेरे टांगों के चारों ओर जो है लपेट दिया। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक, और नरेटर उसको किस करता है चीक के ऊपर। एंड प्लेस्ड रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर, और उसकी छोटी सी लिटिल फिंगर में एक रिंग जो है उसने वहाँ पर उसे पहना देता है। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, अच्छा नरेटर जो है वो अपने रीडर से यहाँ पर अनुमति मांगता है, परमिशन मांगता है। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा यहाँ पर हूँ आपकी सेवा करने के लिए, आपकी खिदमत करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, नरेटर कहता है कि मैं होप करता हूँ, आशा करता हूँ कि तुम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए होंगे। इसी के साथ में हमारा चैप्टर ये एंड हो जाता है, स्टोरी एंड हो जाती है। तो आपको पता चला किस तरीके से जो नरेटर है वो चाल चलता है और रंगा की शादी करवा देता है, और रंगा जो है वो अपने फैक्ट्स को रिवील नहीं करता कि ही ऑल्सो लाइक्ड रत्ना वेरी मच, बट आफ्टर ऑल ही गोट मैरिड विद रत्ना, एंड इन दिस वे द स्टोरी कम्स टू एंड। एंड दिस इज़ वेरी फनी स्टोरी अबाउट रंगा रत्ना एंड द नैरेटर। ओके, आई होप यू मस्ट हैव गॉट द एवरी लाइन्स एक्सप्लेनेशन, एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thank you. Have a nice day.